दिल्ली की रानीबाग पुलिस ने पार्किंग ठेकेदार से रंगदारी मांगने और उसके साथ डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए बदमाश गोगी गैंग से जुड़े हैं। राहुल उर्फ नक्टा, मनीष उर्फ मास्टर, जावेद उर्फ शकील और अमजद उर्फ यूनुस की गिरफ्तारी की गई है। आरोपियों के पास से तमंचे, कारतूस और लूट के 4200 रुपए के साथ एक होंडा की WRV पुलिस ने बरामद की। रानीबाग में TDA कॉम्प्लेक्स में राहुल कामरा की पार्किंग है। 6 अगस्त को 2 कार सवार लोग राहुल कामरा के पास पहुंचे थे। एक ने खुद का नाम राहुल नक्टा बताकर रंगदारी मांगी थी। पार्किंग चलाने के लिए 50,000 रुपए महीने की रंगदारी मांगी गई। राहुल कामरा ने जब प्रोटेक्शन मनी नहीं दी तो बीते 30 अगस्त को कार सवार उसके पास पहुंचे और बंदूक की नोक पर उससे 8700 रुपये लूट लिए और जाते जाते बोल के गए कि ये उस प्रोटेक्शन मनी की पहली किस्त है जो राहुल कामरा ने देने का वादा किया था। उसके बाद राहुल कामरा ने रानीबाग पुलिस स्टेशन में मामले को दर्ज करवाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए रानीबाग इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने एक टीम गठित की और जानकारी जुटाकर मनीष उर्फ मास्टर और राहुल को गिरफ्तार कर लिया। धमकी देने के लिए इस्तेमाल किया गया फोन भी बरामद किया गया है। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने जावेद और अमजद के नाम भी बताए, जिसके बाद उन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों में राहुल उर्फ नक्टा पर 14 आपराधिक मामले दर्ज होने का खुलासा हुआ। साथ ही ये भी पता चला है कि वो बीते 6 फरवरी को ही जमानत पर जेल से बाहर आया था, जिसके बाद वो गोगी गैंग का सदस्य बना था। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदीप टुडे।